Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. So welcome back to my channel. My name is Hamma Darshan and you are watching Learn English with Hamma. So guys, today we are going to discuss about an interesting topic जो कि आजकल हम अपने spoken English में बहुत ही ज़्यादा use करते हैं, कुछ ऐसे conjunctions के बारे में we are going to study about. ठीक है, so let's get started. अब देखिए, हमारा जो पहला conjunction है, first conjunction is As well as. अब देखिए, as well as बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी स्पोकन इंग्लिश में, तो आज मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली में होते क्या है, कैसे हम यूज करेंगे इनको. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल as well as की मीनिंग समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ as well as, जो कि होता है के साथ साथ. as well as का मतलब होगा के साथ साथ, कोई भी दो काम या एक काम आपके साथ साथ होता है वहां पर आप यूज करते हो as well as. So let's understand it with an example. तो पहला example जो मैंने लिखा है, मान लिया गया आपको कहना है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूँ. तो पहले तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये बोलो, मैं पढ़ाई करता हूँ. क्या होगा, आई स्टडी और किसके साथ साथ, जॉब के साथ साथ. तो के साथ साथ एज वेल एज डूइंग द जॉब, आई स्टडी एज वेल एज डूइंग द जॉब, आई स्टडी एज वेल एज डूइंग द जॉब. अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय बनाने के साथ साथ नाश्ता बनाना भी आता है. ठीक है, मुझे चाय बनाने के साथ साथ नाश्ता बनाना भी आता है. तो अब ऐसे कंडीशंस पे हम यहां पर लिखेंगे आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी. यहां पर आई थिंक हाउ टू छूट गया है, यहां पर आप लिख सकते हो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी. मुझे चाय बनाना आता है किसके साथ साथ, नाश्ता बनाने के साथ साथ. तो पहले मुझे चाय बनाने के साथ साथ नाश्ता बनाना आता है. आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, मुझे चाय बनाना आता है एज वेल एज ब्रेकफास्ट. आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी एज वेल एज ब्रेकफास्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा कंजक्शन है दैट इज एज फार एज. अब एज फार एज भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इट इज यूज very very so many times. You may have seen, you may have observed to the native speakers who speaks like as far as. So now what does it mean? Ab as far as ka matlab hota hai ki jahan tak. Ab kai sare sentences, like there are so many sentences that you may speak in your spoken. Jaise maine kaha ki jahan tak mujhe lagta hai ki tum aaoge. Theek hai, तो मैंने कहा जहां तक, as far as मुझे लगता है, I think, as far as I think you would come, as far as I think you would come. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं. मैंने कहा कि जहां तक पॉलिटिक्स की बात की जाए, ठीक है, जहां तक पॉलिटिक्स की बात की जाए तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. as far as politics concerned, as far as politics concerned, so I don't have any interest. As far as politics concerned, so I don't have any interest. Next हमारा जो example है, वो है हमारा as long as. अब as long as का क्या मतलब होता है? देखिए, as long as the meaning कि जब तक, ठीक है, कोई भी काम जब तक आप करोगे, तो वहां पर जब तक का जो सेंस देता है वो आपका एज लॉन्ग एज देता है. मैंने कहा जब तक तुम यहां रहोगे मैं भी रहूंगा. ठीक है, जब तक तुम यहां रहोगे मैं भी रहूंगा. तो जब तक, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई विल ऑल्सो बी हियर, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई विल ऑल्सो बी हियर. ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं. मैंने कहा कि जब तक तुम पढ़ाई पर फोकस करोगे तुम्हें सफलता मिलती रहेगी. जब तक तुम पढ़ाई पे फोकस करोगे, तो जब तक के लिए हम क्या यूज करेंगे, एज लॉन्ग एज. पढ़ाई पर फोकस करोगे, एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन
study, you will keep getting the success. As long as you focus on study, you will keep getting the success. And मैंने guys यहाँ पर keep क्यों लगाया है? तो मैंने keep से related एक videos I have uploaded a video on the YouTube channel. You can go to my channel and search that how to use keep with by learn with Hammatso. ठीक है हाँ. आप इसको search करेंगे कि how to use keep learn with Hammat. ठीक है. तो मेरे चैनल का नाम भी आप सर्च कर लीजिएगा वहां से. ठीक है. अब हाँ, तो यहां पर मैंने कहा कि एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन स्टडी यू विल कीप गेटिंग द सक्सेस. ओके, अब नेक्स्ट है आपका जो लास्ट कंडीशन आता है दैट इज एज सून एज. ठीक है, एज सून एज इसका मतलब होता है जैसे ही. अब कोई भी काम जैसे ही इज इट मीन्स कि एज सून एज. मैंने कहा कि जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए. ठीक है, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए. सो एज सून एज पुलिस केम थीव्स रैन अवे. एज सून एज पुलिस केम, देखिए पुलिस आई ये पास्ट में है. सो वी विल ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन. As soon as police came, thieves ran away. Run away का मतलब होता है भाग जाना, और भाग गए past में है, तो आप run की second form use करेंगे ran away. अब एक और example है, जैसे मैंने कहा, जैसे ही possible हो मुझे call करना. Call me as soon as possible. Call me as soon as possible. So guys, that's it for today. और जैसा कि मैं कहता हूँ कि English से related videos, English spoken से related videos आपको हमारे channel पे मिल जाएगी, Learn English with Hammat. तो वहाँ पर आप कर सकते हैं. Just keep supporting me, क्योंकि मैं आप लोगों के आपके ही doubts solve करता रहूँगा. And whatever the problem you face related to the English spoken, I just take guarantee of it that I will solve it. ठीक है. तो आपको बस एज अ रिवॉर्ड आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अगर अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो वहां पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे.